आई फॉर योर सेल्फ या अपने लिए बोल रहे हो एडिपज मुझे बताऊँ क्या तुम करियोन के लिए या अपने लिए बोल रहे होस कर इज नो थ्रेड यू वीव योर ओन ढूम ढूम तबाहीसीयस करज़ नो थ्रेड करियओन से कोई खतरा नहीं यू वीव यर ओन डोम तुमने खुद अपने लिए अपनी तबाही बुनी करियोन से कोई खतरा नहीं तुमने खुद अपने लिए अपनी तबाही बुनी एडिपस वेल्थ पावर क्राफ्ट ऑफ स्टेट्समैनशिप खिंगली पोजिशन एवरीवेयर एडमायरिपस वेल्थ पावर क्राफ्ट ऑफ स्टेट्समेनशिप दौलत ताकत सियासतबाजी की महारत किंगली पोजीशन और शाही मुक़ाम की एवरीवेयर एडमायर्ड हर जगह तारीफ़ की जाती है एरिबस दौलत ताकत सियासतबाजी की महारत और शाही मुकाम की हर जगह तारीफ़ की जाती है What savage enemy is towered up against these? If Creon, whom I trusted, Creon, my friend, for this great office which the city once put in my hand, unsought, if for this power Creon desires in secret to destroy me, he has brought this decrypted fortune teller, this collector of dirty pennies, this profit fraud. वट्स एवर जैन मी इजोड अप कैसा वशियाना रश्क मुजतमा है इफ़ करियोन हु माई ट्रस्टेड अगर करियोन जिस पर मुझे भरोसा है करियोन माई फ्रेंड करीओन मेरा दोस्त फॉर दिज ग्रेट ऑफिस विद द सिटी वन पुट इन माई हैंड उस अजीम तख्त के लिए जो इस शहर ने एक दफ़ा मेरे हाथ में सौंपा था अनसॉल्ट बगैर सोचे इफ फॉर दिस पावर अगर इस ताकत के लिए ख्रेन डिजायर्स ख्रेउन ख्वाहिश रखता है इन सीक्रेट, खुफिया तौर पर टू डिस्ट्रॉय मी मुझे तबाह करने की ही हैज़ ब्रॉट दिस डेट फ्रिफ्ट टेलर तो इसलिए वो इस खस्ता हाल नजूमी को लाया है दिस कलेक्टर ऑफ डर्टी पैरिस इस नाजायज़ पैसा इकट्ठे करने वाले को दिस प्रॉफिट फ्रॉड इस धोखेबाज पैगम्बर को खरीओन जो मेरा दोस्त है और जिस पर मुझे भरोसा है उसके अंदर कैसा वशाना रश्क मुशतमा है अज़ीम तख्त के लिए जो इस शहर ने एक दफ़ा बगैर सोचे मेरे हाथ में थमा दिया था अगर इस ताकत के लिए करियोन खुफिया तौर पर मुझे तबाह करने की ख्वाहिश रखता है तो इसलिए वो इस खस्ता हाल नजूमी नाजायज पैसा इकट्ठा करने वाले और दोके वास पे अंबर को लाया है वाइन ही इज़ नो मोर आई एम। हैज़ योर मिस्टिक मामरी एवर अप्रोच द ट्रुथ व्हेन दैट हेल्थ दस परफॉर्मिंग हेयर क्लैरोटैबदा मिस्टिक रासबरे ममरी टोने टोटके वाई क्यों इज नो मोर क्लैरोम वो मुझसे ज़्यादा गैबदा नहीं है हेज़ योर मिस्टिक ममरी एवर अप्रोच द ट्रूथ क्या तुम्हारे ये रासबर टोने टोटके कभी सच साबित हुए वन दैट हेल्क हैड जब वो दोजख की बिल्ली द सफिंग्स सफिंग्स वफॉमिंग हेयर यहाँ अपना किरदार अदा कर रही थी क्यों वो मुझसे ज़्यादा गैबदा नहीं है क्या तुम्हारे ये रास बड़े डोनेट टोट कभी उस वक्त सच सबित हुए थे जब वो दोजख की बिल्ली सफिंग्स यहाँ अपना किरदार अदा कर रही थी वट हेल्प वर्स पीपल Her magic was not for the first man who came along. It demands a real exorcist, your birds. What good were they? Are the guards, for the matter of that? But I came by. Oedipus, the simple man who knows nothing. I thought it out for myself. No bird helped me. What help were you to these people? तुमने इन लोगों की क्या मदद की हर मैजिक वॉज नॉट फॉर द फर्स्ट मैन हु केम अलोंग। उसका जादू वहाँ आने वाले पहले फ़र्द के लिए नहीं था इट डिमांड्स अर रियल एग्जॉस इसने कामिल अरवाह का मुतालबा किया यानी इसने बहुत सी जानें ली योर वर्ड्स तुम्हारे परिंदे वुड वर्दे उस काम के लिए कितने अच्छे साबित हुए फॉर दॉड्स या फिर देवता फॉर द मैटर ऑफ दैट उस काम के लिए बठाई खेम बाय लेकिन मैं आया एडिपस, सिंपल मैन एक आम सा इंसान एडिपज हु जो कुछ नहीं जानता आई थॉट इट आउट फॉर माई सेल्फ मैंने ख़ुद इसके बारे में सोचा नो बर्ड हेल्प में किसी परिंदे यानी किसी भी फ़ाल ने मेरी मदद ना की तुमने उन लोगों की क्या मदद की उसका जादू वहाँ आने वाले पहले फ़र्द के लिए नहीं था बल्कि उसने कामिल अरवाह का मुतालबा किया यानी उसने बहुत सी जाने ली तुम्हारे परिंदे या फिर वो देवता इस काम के लिए कितने अच्छे साबित हुए लेकिन मैं आया एरिप जो एक आम सा इंसान था कुछ नहीं जानता था मैंने खुद इसके बारे में सोचा किसी परिंदे ने मेरी मदद ना की एंड दिस इज द मैन यू थिंक यू कैन डिस्ट्रॉय दैट यू मे बी क्लोज टू इज किंग वेल यू एंड योर फ्रेंड क्रियोन सफर मोस्ट

खैर यू एंड योर फ्रेंड खरीओन तुम और तुम्हारा दोस्त खरीओन इट्सम्स टू मी मुझे ऐसा लगता है विल सफ़र मोस्ट ज़्यादा तकलीफ में मुबतला हो गए इफ़ यू वर नॉट एन ओल्ड मैन अगर तुम बूढ़े ना होते यू हैव फेर ऑलरेडी फॉर योर फ्रॉड तो तुम अपने साजिश का बदलाव पहले ही चुका चुके होते और इस शख्स के बारे में तुम सोचते हो कि तुम उसे बर्बाद कर दोगे ताकि जब क्रियोन बादशाह बने तो तुम उसके करीब रह सको खैर मुझे ऐसा लगता है कि तुम और तुम्हारा दोस्त करियन ज़्यादा तकलीफ़ में मुबला हो गए अगर तुम बुरे ना होते तो तुम अपनी साजिश का बदला पहले ही चुका चुके होते खरागोज वी कैनोट सी दैट हीज वर्ड बीन स्पोकन एक्सेप्ट एंगर एरिफर्स एंडर वी हैव नो नेज हाउ केन गॉड्स विल बी एकम्प्लिस्ड बस दैट वट मोस्ट कंसर्नस क्रागोस वी कैन नॉट सी हमें नहीं लगता दैट हीज वर्ड्स के उसके आर योर्स या तुम्हारे अल्फाज हैव बिन स्पोकन बोले गए हैं एक्सेप्ट इन एंगर गुस्से के अलावा एरिबस एंड ऑफ एंगर वी हैव नो नीड एरिबस और हमें गुस्से की ज़रूरत नहीं हाउ कैन गॉड्स विल किस तरह से खुदा की मर्जी को बी एक्पलिश्ड बेस्ट बेहतर तौर पर पूरा किया जा सकता है दैट इज़ मोस्ट कंसर्नस सिर्फ इस बात से हमारा ज़्यादा ताल्लुक है खुरागोज हमें नहीं लगता कि उसके यहां तुम्हारे अल्फाज गुस्से के अलावा बोले गए हैं एडिपस हमें गुस्से की बिल्कुल जरूरत नहीं खुदा की मर्जी को किस तरह बेहतर तौर पर पूरा किया जा सकता है सिर्फ इस बात से हमारा ज्यादा ताल्लुक है गिव थम्स अप टू माय वीडियो इफ यू लाइक इट एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन टू गेट माय एवरी न्यू नोटिफिकेशन एंड सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू